विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रिफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इसके पूर्व के वीडियो में हमने हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन का अप्रोचेस पर बात किया है। हमने देखा कि जॉब का स्पेसिफिकेशन मिल जाने के बाद उससे सिलेंडर या एक्चुएटर, हो सकता है कि रोटेटिंग हो या लिफ्टिंग हो, तो एक्चुएटर के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। एक्चुएटर की जानकारी किस तरह की है, उसके बाद सिलेंडर या मोटर के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, और जब लोड सिलेंडर या मोटर या के बारे में जानकारी हो जाती है तो उस एक्चुएटर को चलाने के लिए जो फ्लूइड का उपयोग होगा वो फ्लूइड किसके के द्वारा आएगा, यानी पंप के द्वारा जो आएगा उस पंप की कैपेसिटी या उसके बारे में हम अब जानकारी लेंगे। हमें सभी इक्विपमेंट की जब जानकारी हो जाएगी जो हाइड्रोलिक सर्किट में लगे रहते हैं, उनके गतिविधियों के बारे में, उनके कैलकुलेशन के बारे में, उनके पावर के बारे में जब जानकारी हो जाएगी, तब हम हाइड्रोलिक सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बना लेंगे उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसके बाद उसका हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। आइए अब हम पंप की कैपेसिटी या पंप के बारे में बात करेंगे कि कितने तरह के पंप होते हैं, किस किस तरह के पंप होते हैं जो इन एक्चुएटर को चलाने के लिए काम आते हैं। व्हाट कैपेसिटी पंप इज नीडेड, यानी किस क्षमता का पंप चाहिए, ये जानने के लिए मैक्सिमम सिलेंडर स्पीड रिक्वायर्ड आर एक्चुएटर का मैक्सिमम स्पीड क्या है रिक्वायर्ड, ये हमको पहले मालूम होना चाहिए। फ्लो रेट, सिलेंडर एरिया इंटू स्ट्रोक अपॉन टाइम, फ्लो रेट हमको मालूम होना चाहिए। देन इसके बाद जब फ्लो रेट मालूम चल गया और सिलेंडर का स्पीड कितना चाहिए मालूम हो जाएगा, तो हम एक स्टैंडर्ड पंप सेलेक्ट कर लेंगे जो क्यूबिक सेंटीमीटर पर रिवॉल्यूशन रहेगा, ठीक है ना। तो पंप जो है क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर पर एक रिवॉल्यूशन में कितना सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑयल या फ्लूइड जाएगा उसके हिसाब से हम पंप सेलेक्ट कर लेंगे। पंप, हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक पंप आर द हार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक सिस्टम का जो हार्ट है वो पंप है, और यही पंप मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह जो मैकेनिकल एनर्जी डिलीवर टू द पंप वाया प्राइम मूवर सच एज इलेक्ट्रिक मोटर आर आईसी इंजन, जो पंप को ऑपरेट करेगा, जो प्राइम मूवर जो रहेगा वो इलेक्ट्रिक मोटर या आईसी इंजन हो सकता है। फ्लो क्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीड ऑफ एक्चुएटर, जो फ्लो है वो एक्चुएटर की स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंस द वेलोसिटी ऑफ द एक्चुएटर वी इज इक्वल टू क्यू बाई ए एंड प्रेशर पी इज रिस्पॉन्सिबल द साइज ऑफ द लोड एट द एक्चुएटर, ठीक। आउटपुट यानी एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए, ये क्या है, एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये देखिए, मतलब सिलेंडर को आप ऑयल जो फ्लो देगा, हाइड्रोलिक एनर्जी जो देगा, उसके लिए जो पंप कैसा होगा उसके बारे में हम छोटी मोटी जानकारी दे रहे हैं कि पंप में फ्लो का रहता है, प्रेशर रहता है, एरिया का रहता है, ये जो चीजें का वैल्यू रहती है, इन्हीं की वैल्यू से हम उसको समझते हैं। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रो पंप्स, देयर आर टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक हाइड्रो पंप एज आइडेंटिफाइड बाय द फ्लूइड पावर इंडस्ट्री, ठीक। पहला नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसको हाइड्रोडायनेमिक पंप भी बोलते हैं, या हाइड्रोकाइनेटिक पावर जनरेटर्स होता है। दूसरा जो होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, या उसको हाइड्रोस्टेटिक पंप भी बोलते हैं, या हाइड्रोस्टेटिक पावर जनरेटर होता है।
नॉन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो होता है वो काइनेटिक पावर जनरेटर होता है, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो होता है वो स्टैटिक पावर जनरेटर होता है। ठीक है, क्लियर है? हाइड्रोस्टैटिक स्टैटिक पावर के लिए है, हाइड्रोडायनेमिक काइनेटिक पावर जनरेटर के लिए। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आर हाइड्रोडायनेमिक पंप, ये जो होते हैं हाइड्रोडायनेमिक पंप आर यूज्ड इन इंपेलर आर प्रोपेलर टू मूव द फ्लूइड बाय मोमेंट। जो फ्लूइड जो मोमेंट होगा मूव होगा वो बाय मोमेंटम होगा। ठीक है, किसमें? इंपेलर और प्रोपेलर द्वारा, किसमें? हाइड्रोडायनेमिक पंप्स में। ठीक, इसका जो यूज होता है लो प्रेशर एप्लीकेशन के लिए होता है और हाई वॉल्यूम फ्लो के लिए होता है। हाई वॉल्यूम फ्लो मतलब के में क्या होता है कि जो स्मूथली या कंटिन्यूअस जो फ्लो मिलता है, है? वहीं पर इसका यूज होता है, मतलब हाई वॉल्यूम फ्लो होगा। हाइड्रोडायनेमिक पंप्स या नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप दो तरह के होते हैं। पहला सेंट्रिकल पंप आर इंपेलर टाइप होता है, दूसरा एक्सियल फ्लो पंप आर प्रोपेलर टाइप होता है। ये देखिए, ये एक्सियल फ्लो इस टाइप का होगा और सेंट्रिकल पंप इस टाइप का होगा, तो ये दो तरह के होते हैं। ठीक, अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में बात कर लेते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आर हाइड्रोस्टेटिक पंप। हाइड्रोस्टेटिक पंप इजेक्ट ए फिक्स क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इनटू द हाइड्रोलिक एक्चुएटर। हाइड्रोलिक एक्चुएटर के अंदर फिक्स क्वांटिटी, उसमें क्या था, लार्ज क्वांटिटी चाहिए था और स्मूथ कंटिन्यूअस फ्लो के लिए है। बट ये जो होता है हाइड्रोस्टेटिक पंप या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ये क्या होता है कि फिक्स क्वांटिटी एक्चुएटर के अंदर फ्लो फ्लूइड को भेजता है। ये पर रिवोल्यूशन ऑफ पंप शाफ्ट रोटेटर या गियर पंप और वैन पंप में होता है। पर साइकिल रिट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ ए पिस्टन, अंदर बाहर जो होता है तो पिस्टन पंप में होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आर हाइड्रोस्टेटिक पंप का नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप से अगर कंपेयर करें तो पाएंगे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है हाई प्रेशर कैपेसिटी के लिए यूज होता है, कॉम्पैक्ट साइज जहां रहता है वहां यूज करते हैं, हाई वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी के लिए यूज करते हैं, और थोड़ा भी अगर मतलब इफिशियंसी जो है डिजाइन का प्रेशर रेंज के हिसाब से बहुत कम चेंज होता है, ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये जो हमने अभी किया ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में गियर पंप वैन पंप और पिस्टन पंप होते हैं, और उसमें पॉजिटिव डिस्प्ले नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में एक्सियल और सेंट्रिकल पंप होते हैं। हाइड्रोस्टेटिक पंप में मेन टाइप ऑफ हाइड्रोस्टेटिक पंप आर द गियर पंप्स। ये देखिए, ये गियर पंप्स इस टाइप के होते हैं, वैन पंप इस टाइप के होते हैं और पिस्टन पंप इस टाइप के होते हैं। तो यहां पर हमने पंप की जानकारी लिया है और यह जानना कि जब लोड का स्पेसिफिक केशन मिल जाता है तो उसके हिसाब से हम एक्चुएटर डिसाइड कर लेते हैं। एक्चुएटर के डिसाइड होने के बाद उस एक्चुएटर को चलाने के लिए जो लिक्विड उसमें आएगा या हाइड्रोलिक आएगा, पावर आएगा या एनर्जी आएगी, उसको किससे चलाएंगे, तो वह पंप के थ्रू आएगा। तो उस पंप के बारे में हमने संक्षिप्त में जानकारी लिया है, और इसी तरह से सभी हाइड्रोलिक सिस्टम में लगने वाले सभी पार्ट्स या सभी इक्विपमेंट के बारे में हम जानकारी पहले ले लेंगे, उसके बाद हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ओके, थैंक यू।